मैं एक मजदूर हूँ, मैं जिस दिन कुछ भी ना लिखूँ मुझे उस दिन रोटी खाने का अधिकार नहीं है। ये लाइनें थी हमारे हिंदी साहित्य के मशहूर लेखक मुंशी प्रेमचंद जी की। कितने कर्मठ थे वो, कितने अच्छे उनके विचार थे। आज उनके जन्मदिवस पर शिवनीता टीवी और शिवनीता फार्मेसी उन्हें नमन करती है। दोस्तों नमस्कार, दोस्तों मैं हूँ हर्षित सिंह, फार्मासिस्ट और ड्रग कंसल्टेंट। आप देख रहे हैं शिवनीता टीवी। दोस्तों आज की वीडियो का विषय रहेगा आपका नाश्ता। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था कि आज की वीडियो में मैं आपसे कुछ ऐसे 5 पौष्टिक नाश्तों के बारे में बात करने वाला हूं जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होने वाला है। दोस्तों तो इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहें, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। अगर हम बात करें सबसे पौष्टिक नाश्तों की तो सबसे पहले नंबर पर आता है चना। दोस्तों अंकुरित चना, अगर हम दिन की शुरुआत अंकुरित चने से करते हैं दोस्तों तो हमारे शरीर को जो कार्बोहाइड्रेट, जो प्रोटीन की आवश्यकता होती है वो एक अंकुरित चने से हमें भरपूर मात्रा में मिल जाती है और इससे हमें फुलनेस का भी एहसास होता है, यानी कि हमारा जो पेट रहता है वो हल्का सा भरा भरा लगता है, जिससे हमें एक संतुष्टि का आभास भी होता है दोस्तों। और साथ ही साथ दोस्तों अंकुरित चना में प्रोटीन की मात्रा बहुत ही ज़्यादा प्रचुर मात्रा में होती है दोस्तों। तो अगर हम अपने नाश्ते में प्रोटीन को ऐड करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होने वाला है। दोस्तों चने को रात में हमें भिगो लेना चाहिए, सुबह वो अंकुरित हो जाएगा और उस अंकुरित चने का सेवन अगर हम करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है दोस्तों। दूसरे स्थान पर मेरी लिस्ट में आता है दलिया। दोस्तों दलिया एक बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक नाश्ता होता है, अगर आप इसे अपने सुबह के नाश्ते में ऐड करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, क्योंकि दलिया में फाइबर्स की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है और एनर्जी की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है, जो कि हमारे दिन की शुरुआत करने के लिए जो एनर्जी की आवश्यकता होती है, जो कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है, जो प्रोटीन्स की आवश्यकता होती है, वो दलिया से आपको प्रचुर मात्रा में मिल जाती है दोस्तों। तो दलिया भी बहुत अच्छा ऑप्शन है आपका दिन की शुरुआत करने के लिए। दोस्तों दलिया का टेस्ट जो है 2 प्रकार का होता है, मीठा दलिया और नमकीन दलिया। आप अपने टेस्ट के अनुसार, अपने पसंद के अनुसार दलिया बना सकते हैं दोस्तों। मीठा दलिया दूध से बन जाता है और उसमें आप शक्कर भी जो है डाल सकते हैं, और नमकीन दलिया जो है आपका पानी और दलिया और नमक वगैरह से बनाया जा सकता है दोस्तों। जो अपने टेस्ट के अनुसार आप दलिया चुन सकते हैं दोस्तों, लेकिन दलिया बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक होता है हमारे सुबह के नाश्ते के लिए दोस्तों। तीसरे स्थान पर मेरी लिस्ट में आता है अंडा। दोस्तों आप अगर अपने नाश्ते में अंडे का जो है सेवन करते हैं तो ये भी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी ऑप्शन है दोस्तों। कच्चा अंडा अगर आप जो है उबाला हुआ अंडा अगर आप खाते हैं तो ये बहुत ही अच्छा होता है, और जो लोग उबला हुआ अंडा ना खाना चाहें वो ऑमलेट का भी सेवन कर सकते हैं या हाफ़ फ्राई का भी सेवन कर सकते हैं। इसमें अंडे में दोस्तों प्रोटीन की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है दोस्तों। अगर आप जो है अपने बढ़ते हुए वज़न से परेशान हैं तो आप अंदर का जो उसका पार्ट होता है वो ना खा करके उसका सफ़ेद वाला पार्ट भी खाएं तो भी कोई समस्या नहीं है, लेकिन अंडे में आपको सफिशियंट मात्रा में प्रोटीन मिल जाती है दोस्तों। तो अंडा भी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है सुबह के नाश्ते के लिए दोस्तों। लिस्ट में चौथे नंबर पर आता है बेसन का चिल्ला। दोस्तों बेसन का चिल्ला भी बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक होता है, बहुत ही अच्छा होता है हमारे हेल्थ के लिए, और ये काफ़ी टेस्टी भी होता है दोस्तों। अगर आप डेली जो है इन सब चीज़ों से ऊब गए हैं, अंकुरित चने से, अंडे से, इन सब चीज़ों से अगर आपका मन ऊब रहा है तो आप रूटीन वाइज भी सेट कर सकते हैं। बेसन का चिल्ला भी एक बहुत ही हेल्दी और बहुत ही पौष्टिक आपका नाश्ता हो सकता है, और इसमें जो है प्रचुर मात्रा में आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन्स मिल जाते हैं दोस्तों। तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप इसको भी अपने नाश्ते में ऐड कर सकते हैं दोस्तों। और 5वें नंबर पर मेरे लिस्ट में आता है, अगर आप बात करें फलों की दोस्तों, तो जो है एप्पल, आप जो है सुबह जो है सेब का सेवन कर सकते हैं। अगर कैपेबल हैं, अगर आप सक्षम हैं तो सुबह सुबह आप संतरा या फिर संतरे का जूस का सेवन कर सकते हैं। पपीता बहुत ही हेल्दी होता है आपके नाश्ते के लिए, सुबह के नाश्ते के लिए तरबूज का भी सेवन आप कर सकते हैं दोस्तों। तो 5वें नंबर पर आप फलों में जो है सेब, पपीता, जो है तरबूज और केले का भी सेवन कर सकते हैं। केले में भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन्स, फाइबर, विटामिन B6,
ये सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों। तो इन जो हैं फलों का इस्तेमाल भी आप सुबह के नाश्ते में अपने ऐड कर सकते हैं दोस्तों। साथ ही साथ अगर आप सूप पीने के शौकीन हैं, अगर आपको सूप पसंद है, तो आप अपने सुबह के नाश्ते में पालक का सूप भी ऐड कर सकते हैं। ये भी एक बहुत ही पौष्टिक आहार है, पौष्टिक ऑप्शन है आपके लिए दोस्तों, क्योंकि पालक में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आयरन होता है, मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है, फाइबर्स होते हैं, कुछ विटामिन्स भी होते हैं इसमें। अगर आपको एनीमिया की शिकायत हो तो पालक का सूप आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। आपके ग्लोइंग स्किन के लिए पालक का सूप बहुत ही अच्छा होता है। आपकी हड्डियों को भी मजबूत रखता है पालक का सूप। तो दोस्तों पालक का सूप भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। अगर आप कैपेबल हैं तो आप सोया सूप भी पी सकते हैं, ये भी आप बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है दोस्तों। सोयाबीन का सूप में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन होती है दोस्तों, और आपके हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है दोस्तों। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ये तो थे कुछ पौष्टिक नाश्ते जो कि आप अपने सुबह के आहार में, सुबह के नाश्ते में ऐड कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो आपको अच्छी लगी हो। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, किसी और चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन लेकर के। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों अपना रिएक्शन ज़रूर दें, क्योंकि आपका एक एक रिएक्शन मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ये चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मैं जो भी नए वीडियोज़ लाऊँ उसका अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके दोस्तों। जाते आते एक बार मैं फिर से आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मैं एक फार्मासिस्ट हूँ, मेरा नाम हर्षित सिंह है, और मैं एक फार्मेसी शॉप का ऑनर भी हूँ। अगर आप बलरामपुर के निवासी हैं, अगर आपको किसी भी प्रकार की दवाओं की आवश्यकता है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। नीचे जो नंबर दिया हुआ है ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ये मेरा कॉलिंग नंबर है। आप अपना प्रिस्क्रिप्शन मेरे व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं, अपना एड्रेस आप उसमें सेंड कर दें, और हम लोग बलरामपुर लोकल में दवाओं की सप्लाई भी करते हैं, होम डिलीवरी भी करते हैं दोस्तों। तो अगर आप इस कोरोना काल में घर से बाहर नहीं जाना चाहते हैं तो अपना पर्चा, अपना प्रिस्क्रिप्शन, अपनी दवा का नाम, अपने सही एड्रेस के साथ, अपने मोबाइल नंबर के साथ हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दें, आपको 90 मिनट के अंदर अंदर होम डिलीवरी कर दी जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको मेरी जानकारियाँ अच्छी लगी हों। बहुत बहुत धन्यवाद।